लेज स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे कॉम्प्टन इफेक्ट, ठीक है, चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर। आर्थर ओली कॉम्प्टन एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था कि एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने बताया था कि जब भी कभी भी आप कि उसने एक्सपेरिमेंट करके हमें एक चीज़ बताई कि एक्सरे फोटान जो है या एक्सरेज, जब एक्सरेज उसने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि लूजली बाउंड जो टारगेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर जैसे ही उसने एक्सरे गुराई तो एक्सरे जैसे ही उसके साथ कोलाइड की, कोलाइड करने के बाद ठीक है उस एक्सरेज की वेवलेंथ के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, उसने ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, ग्रेफाइट के ऊपर किया था। ग्रेफाइट के ऊपर जैसे ही उसने क्या किया, एक्सरेज को गिराया, एक्सरेज उसके साथ जाकर टकरा के स्कैटर्ड हुई और स्कैटर होने के बाद और स्कैटर होने से पहले वेवलेंथ के अंदर क्या आई, चेंज आई। ठीक है, जो चेंज आई 1923 के अंदर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और 1927 के अंदर उसको इसी बात के ऊपर नोबेल प्राइज मिला। पहले ये चीज़ ख्याल की जाती थी कि वेवलेंथ कभी भी टकराने से चेंज नहीं होती, जैसे रिफ्लेक्शन है, रेयरफैक्शन है, इसमें वेवलेंथ चेंज नहीं होती। लेकिन इसने क्या किया था कि इसने वेवलेंथ को चेंज करके दिखाया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद ये नज़रिया बना कि वेवलेंथ क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। देखें, आज हम देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। अगर अब आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अभी हम देखते हैं डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है। द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग, द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ वेवलेंथ ऑफ एन एक्सरेस। ठीक है, ये फिनोमेना क्या है, चेंजिंग है किस चीज का, वेवलेंथ का, किसकी, ऑफ एन एक्सरे, कब। ठीक है, या आफ्टर, ठीक है, आफ्टर दी कुलियन विद दी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करने के बाद जो वेवलेंथ के अंदर क्या आती है, चेंज आती है एक्सरेज के अंदर। इस फिनोमेना को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, हम लोगों ने इसका नाम दिया है कॉम्प्टन इफेक्ट। ठीक है, देखते हैं ज़रा कैसे उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की। उसने लिया एक सोर्स लिया, दिस इज द सोर्स ऑफ एक्सरेज, यहाँ से वो फिनोमेना अलग है। ठीक है, यहाँ से एक्सरेज क्या हुई, जनरेट हुई, इनको हम नाम क्या देते हैं, एक्सरेज का, एक्सरेज यहाँ से क्या हुई, जनरेट हुई। ठीक है, और आगे मैंने क्या रखा हुआ, फिल्टर, उस फिल्टर से जैसे ये एक्सरेज गुजरी ये उनकी क्या है, वेवलेंथ लैम्डा आई। ठीक है, इंसिडेंट एक्सरेज की क्या है, वेवलेंथ लैम्डा आई। ठीक है, और आगे मैंने क्या चीज़ रखी हुई है, रेस्ट में है एक इलेक्ट्रॉन, रेस्ट में क्या पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन। कहता है इसने जो सुजेशन किया, कहता है कि ये जो एक्सरेज हैं, एक्सरेज कंसिस्ट ऑफ क्या होती है, फोटॉन्स, और फोटॉन्स जैसे ही जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, जैसे ही कोलिजन होगी, कोलिजन के बाद ये क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या किया, स्कैटर्ड, और जैसे ही इसके साथ जाके क्या हुआ, टकराया। ठीक है, और टकराने के बाद ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये होनी थी, लेकिन ये टकराने के बाद इस तरफ को क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया, इस तरफ को क्या हो गया, स्कैटर्ड, और टकराने के बाद जो वेवलेंथ आई वो लैम्डा एस थी। क्या थी वेवलेंथ, लैम्डा एस, स्कैटर्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने देखा कि इसके और इसके अंदर क्या है, वेवलेंथ के अंदर क्या है, फ़र्क आ गया।
हत्ता कि अगर क्लासिकल फिजिक्स देखी जाए तो वेवलेंथ के अंदर फ़र्क नहीं आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि कोलिजन की वजह से कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब इसने फोटॉन कंसिडर किया, ठीक है, इसने कंसिडर किया अपनी थ्योरी के अंदर क्या किया, एक्स रेज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, और ये बिलियर्ड बॉल्स की तरह इसने क्या किया, बिहेव किया। जब बिलियर्ड्स बॉल की तरह इसने बिहेव किया, ठीक है, तो इसके साथ टकराया और टकराने के बाद क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया। चले मैं इसका ये इंट बना लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है, ये इंसिडेंट वेवलेंथ, ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इधर चला गया, और ये टकराने के बाद इस तरफ क्या होगी, स्कैटर्ड होगी। आगे यहाँ पर क्या लगा हुआ था, डिटेक्टर लगा हुआ है, क्या चीज़ लगी हुई, डिटेक्टर, ठीक है। डिटेक्टर का काम क्या है, ठीक है, उसने इसको डिटेक्ट करना है कि ये कितने एंगल पर क्या हुई थी डिटेक्ट। ओरिजिनल डायरेक्शन इसकी ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये स्कैटर्ड किधर होगी, इस तरफ। तो ये जो थीटा है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन और स्कैटर्ड डायरेक्शन के अंदर जो क्या है एंगल बन रहा, उसे हमने क्या किया, थीटा। और यहाँ पर ये वेवलेंथ लैम्डा एस, क्लियर हो गया। अगर मैं इसको कंसीडर करूँ फोटॉन, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एच सी ओवर लैम्डा इंसिडेंट, ठीक है। ये भी इंसिडेंट एनर्जी, और ये क्या है, स्कैटर्ड एनर्जी, एच सी ओवर लैम्डा, ठीक है, एस। अब जैसे ही ये इसके साथ जाके क्या हो गया, टकराया, तो टकराने के बाद क्या हुआ कि इसने अपनी एनर्जी इसको क्या की, ट्रांसफ़र की, बल्कि एनर्जी नहीं ट्रांसफ़र की, पी भी ट्रांसफ़र किया और एनर्जी भी क्या की, ट्रांसफ़र कर दी। ये दोनों चीज़ें इसने क्या कर दी, इसको ट्रांसफ़र की। जैसे इसने इनको ट्रांसफ़र की, ठीक है, तो इसके बाद इसकी अपनी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसके मतलब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ई एस लेस देन है ई आई से। इंसिडेंट फोटॉन्स ऑफ एक्स रे की एनर्जी क्या है, ठीक है, इंसिडेंट फोटॉन ऑफ एक्स रे की एनर्जी क्या है, ग्रेटर है, और स्कैटर्ड की एनर्जी क्या है, कम। और जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, वेवलेंथ के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और लैम्डा एस ग्रेटर हो गया किससे, लैम्डा आई से, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, वेवलेंथ के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, एक्सरे फोटॉन जाके इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, टकराने से पहले और टकराने के बाद उसकी वेवलेंथ के अंदर किसने फ़र्क महसूस किया, आर्थर होली कॉम्फ्टन ने। तो उसने फिर यहाँ से ये रिजल्ट कंक्लूजन निकाला कि वेवलेंथ तो यार चेंज हो सकती है। पहले ये ख्याल किया जाता था कि वेवलेंथ चेंज नहीं होती, उसने कहा वेवलेंथ क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर उसने जो वेवलेंथ की चेंज जितनी आई, उसका फार्मूला उसने क्या किया, डेवलप किया, डेल्टा लैम्डा, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई, ठीक है। और डेल्टा लैम्डा का जो पूरा फार्मूला है, एच ओवर एम नॉट सी वन माइनस कॉज ऑफ थीटा। थीटा आप लोगों को पता है क्या चीज़ है, एंगल है, ठीक है, और ये क्या है, डेल्टा, ये चेंज इन वेवलेंथ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्टन शिफ्ट कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्टन शिफ्ट। और एच प्लैंक कांस्टेंट, और एम क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और थीटा क्या है, जितने एंगल से ये क्या हुआ है, स्कैटर्ड हुआ है। एक चीज़ तो हम लोगों ने कंफर्म कर ली कि वेवलेंथ के अंदर क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। क्लासिकल थ्योरी जो है वो ये कहती थी कि वेवलेंथ के अंदर चेंज नहीं आ सकता, वो कहती थी जब भी मीडियम चेंज होगा तभी क्या होगा, वेवलेंथ के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। लेकिन हमने मीडियम को चेंज किए बगैर हम लोगों ने क्या किया है, वेवलेंथ के अंदर चेंज ले आया है आर्थर होली कॉम्फ्टन के इफेक्ट की वजह से, ठीक है। यही क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर यही क्या है, फ़र्क है। अच्छा, देखते हैं हमारे पास ये स्कैटर्ड वेवलेंथ और ये क्या है, इंसिडेंट वेवलेंथ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से कंक्लूजन और देखें कि ये थीटा, ठीक है, जितना थीटा बड़ा होता जाएगा, ठीक है, उतनी ये वाली वैल्यू क्या होती जाएगी,
उनके दरमियान डिफरेंस क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। जितना डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा उतना ही ये चीज़ क्या होती है, डेल्टा लैम्डा के अंदर फ़र्क भी क्या होना चाहिए, यानी कि डेल्टा लैम्डा जो है वो डायरेक्टली है, ये बकाया सारी चीज़ें कॉस माइनस, ठीक है। जितना एंगल बड़ा होता जाएगा, ठीक है, उतना इनके दरमियान डिफरेंस भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, और ये वाली चीज़ भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा। तो इनडायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूँ कि डेल्टा लैम्डा जो है इनडायरेक्टली करने लगा हूँ, डेल्टा लैम्डा डायरेक्टली है किसके, एंगल के। जितना एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना क्या होगा, वेवलेंथ के अंदर चेंज भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग कि कैसे हम उस चेंज को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करना है। जी बच्चे, अभी हम देखने लगे हैं कॉम्प्टन वेवलेंथ, कैसे हम लोग कॉम्प्टन वेवलेंथ को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कॉम्प्टन ने जो फार्मूला ड्राइव किया वो ये था, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी वन माइनस कॉज ऑफ थीटा। आप लोगों को पता है एच प्लैंक कांस्टेंट है, एम के अरेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.63 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 34, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम नॉट 9.1 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 31, और इसके बाद क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेस्ट पावर 8। ये हमारे पास इसकी क्या है, वैल्यूज़। अब हम क्या चीज़ कैलकुलेट करने लगे कि कॉम्प्टन वेवलेंथ कैलकुलेट करने लगे। कॉम्प्टन वेवलेंथ किसे कहते हैं, ठीक है, ये बच्चे मेरे पास क्या है, ये इंसिडेंट फोटॉन और ये आगे इलेक्ट्रॉन, और इसे लैम्डा आई कह लें। जैसे ही इसके साथ टकराया और टकराने के बाद क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया, जाना इसे इधर चाहिए था और ये स्कैटर्ड हो गए, 90 डिग्री पर चला गया, किधर चला गया, 90 डिग्री पर क्या हो गया, स्कैटर्ड, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया बच्चे। तो ये यहाँ पर चला गया, इसे लैम्डा एस, वाजिया देख सकते हैं आप फर्क वेवलेंथ के अंदर, ठीक है। तो ये इधर डिटेक्टर लगा हुआ था, ये डिटेक्टर लगाओ, डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया कि थीटा कितना है, 90 डिग्री का। अच्छा देखते हैं, फिर हमने कैलकुलेट किया, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच ओवर एम नॉट सी वन माइनस कॉस, ये 90 आ जाएगा, कॉस 90 किसके इक्वल होता है, जीरो। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी, और ये 1 माइनस ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो, और h ओवर m नॉट c, और यही डेल्टा लैम्डा जाएगा। अब ये वाला जो फैक्टर है इसकी वैल्यू जो हम पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी 6.63 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 34, और रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 31, ठीक है, इंटू 3 इंटू 10 रेस्ट पावर 8। ये सारा कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगी, ठीक है, 2.43 इंटू 10 रेज टू पावर 12, और साथ क्या आ जाएगा, मीटर, क्या आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा हमारे पास इसके साथ, 2.43। लेकिन इस चीज़ पूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्टन वेवलेंथ कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्प्टन वेवलेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ, लैम्डा सी के साथ। इसका मतलब जब एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो तब क्या होगा, कॉम्प्टन शिफ्ट और कॉम्प्टन वेवलेंथ, इसे क्या नाम दिया, कॉम्प्टन शिफ्ट, और ये क्या चीज़ है, कॉम्प्टन वेवलेंथ। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल आते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा सपोज कर लेते हैं कि अगर ये क्या हो जाए, स्ट्रेट चला जाए, स्ट्रेट गुजर गया, ठीक है, स्कैटर्ड नहीं हुआ, तो स्ट्रेट गुजर जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो,
थीटा जीरो का मतलब क्या है? नो स्कैटरिंग, स्कैटरिंग नहीं हुई, ठीक है। तो फिर देखते हैं कॉम्प्टन शिफ्ट जो है वो क्या आती है, डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी वन माइनस, और कॉज ऑफ क्या आ जाएगा, ज़ीरो। कॉज ज़ीरो किसके इक्वल होता है, वन के, एच ओवर एम नॉट सी और डेल्टा लैम्डा, और ये सारी चीज़ क्या आ जाएगी, ज़ीरो डेल्टा लैम्डा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये से लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई ज़ीरो, और लैम्डा एस इज इक्वल टू लैम्डा आई। यानी कि वेवलेंथ के अंदर चेंज ही नहीं आ रहा यार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सारा प्रोसेस किस वजह से हो रहा है, टकराने के बाद स्कैटरिंग वाले पर, चल अगर बाउंस बैक हो जाता है, अगर क्या आ जाता है, बाउंस बैक, यानी कि थीटा कितना आ जाता है, 180 डिग्री। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच ओवर एम नॉट सी वन माइनस कॉज 180, ठीक है। ये जो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच ओवर एम नॉट सी और कॉज 180 जो था माइनस वन के इक्वल होता है, ये माइनस और ये माइनस वन, और ये डेल्टा लैम्डा जो आ जाएगा वो टू टाइम्स ऑफ लैम्डा सी हो जाएगा। यानी कि जो कॉम्प्टन वेवलेंथ है उससे कितना हो जाएगा, कॉम्प्टन वेवलेंथ जो है वो दो गुना, यानी कि चेंज इन जो है कॉम्प्टन शिफ्ट जो है टू टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगी, कॉम्प्टन वेवलेंथ के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अच्छा अभी आप सब लोग कैलकुलेट करें कि अगर क्या हो, स्कैटर्ड कितना हो, थीटा 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो तो फिर क्या होगा, अगर 60 डिग्री हो तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करें ज़रा। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी वन माइनस कॉस 60। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर ले आप लोग, देखते हैं क्या निकलता है। चले मैं खुद ही कर लेता हूँ, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी और वन माइनस कॉस 60 होता है 1/2, ठीक है। और डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, इस पूरे को मैं क्या कहूँगा, लैम्डा सी और नीचे क्या आ जाएगा, 2। ये देख लीजिएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉम्प्टन शिफ्ट जो होगी वो कॉम्प्टन वेवलेंथ के क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, अगर तमाम रिमेनिंग पैरामीटर्स को हमने क्या किया जाए, सेम लिखा जाए। अच्छा एक एमसीक्यूज देखें ज़रा, एमसीक्यूज कहता है इसका, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एच ओवर एम नॉट सी, इसकी डायमेंशन डायमेंशंस फाइंड आउट करें बच्चे, ये सारी चीज़ डेल्टा लैम्डा के इक्वल और इसका मीटर, तो लिहाजा इसकी डायमेंशन यूनिट भी क्या होगा, मीटर, और मीटर किसके इक्वल होता है, लेंथ के इक्वल, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर हो गया, एक्सरसाइज में देखिएगा, ठीक है, छठा सातवां न्यूमेरिकल इसी से होगा, ठीक है, और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा छठा सातवां न्यूमेरिकल इसी से हो जाएगा, एक एग्जाम्पल है वो भी इसी से हो जाएगी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ये वाला लिखा होगा जो मैं पहले खोल के लिखा है, यानी कि यहाँ से ये वाला, ठीक है, स्कैटर्ड वेवलेंथ लैम्डा डैश से शो किया होगा, इसको उधर जाके आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, 19 नंबर है या 18 नंबर होगा, ठीक है। कहता है कैन अ विजिबल लाइट, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्टन इफेक्ट विजिबल लाइट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चे अगर विजिबल लाइट होगी तो उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, और उसकी एनर्जी कम होने की वजह से ये इसके साथ टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से तो नहीं हिलेगा लेकिन इसको अपने अंदर क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम कभी भी क्या कर सकते हैं, विजिबल लाइट से, कभी भी हम विजिबल लाइट से कॉम्प्टन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, क्लासिकल फिजिक्स और इस फिजिक्स के अंदर कंट्राडिक्शन यही है कि उसमें वेवलेंथ क्या होती है, चेंज जो है वो नहीं होती, ठीक है, स्कैटरिंग की वजह से, लेकिन इसमें क्या है, वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, कोलिजन की वजह से वेवलेंथ में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। लेकिन जब हम एक्सरे यूज़ करें, एक्सरे से लोअर लेवल पर यूज़ करें, तो ये फिनोमेना हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्लियर हो गया,
तो इसलिए तो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि विजिबल लाइट जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकती। ठीक है, एक्सरसाइज के दो न्यूमेरिकल हैं और एक एग्जांपल है, इसी फार्मूले से होगी, तो वो करिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो कॉपी पेंसिल निकाल के लेक्चर नोट किया करो। ठीक है, तो होमवर्क आप लोगों ने मुझे चेक करवाना है, सबमिट करवाना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आपके पास है, पेज भी है फिजिक्स बाय अली रज़ा यूट्यूब चैनल के ऊपर, नीचे कमेंट्स में अगर नंबर चाहिए होगा तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो काइंडली वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके ज़रूर मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे कल।